महाभारत विश्व का सबसे लंबा ऐतिहासिक ग्रंथ एवं महाकाव्य, जिसमें 1,00,000 श्लोक या 2,00,000 व्यक्तिगत पद्य लाइन्स एवं गद्य मार्ग हैं। कुल मिलाकर 18,00,000 शब्दों से बना भारत का ये अनुपम दार्शनिक, ऐतिहासिक व पौराणिक ग्रंथ, जो रामायण से 4 गुना लंबाई में ज़्यादा है। सो वेलकम बैक ऑन द सीरीज ऑफ कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। सीरीज के पिछले वीडियोस में मैं कर्म फिलोसफी की बात गीता के ज्ञान के आधार पर कर रहा था, आज इसको समझते हैं महाभारत के आधार पर। तो देखते हैं महाभारत को एक अलग नज़रिए से। महाभारत एक पूर्णतया न्याय शास्त्र है। श्री कृष्ण, जिसके सूत्रधार एवं चीरहरण जिसका केंद्र बिंदु है, और उसके बाद की सारी कथा कर्म के कर्ताओं को मिले उसके फल की कथा है, उसके मिले दंड की कथा है। दुर्योधन कितना ही बड़ा बलशाली, धन संपत्ति वाला, कितनी ही बड़ी सेना उसके पास थी, पूरा शरीर उसने अपना वज्र का बना लिया, पर देखिए कर्म अपने कर्ता को कैसे ढूंढता है। एक अबला नारी को दिखाकर उसने अपनी जंघा ठोकी थी, और वो जंघा ही उसकी वज्र की ना बन पाई, और युद्ध भूमि में उस जंघा को ही तोड़कर उसे मृत्यु प्राप्त हुई। दुशासन, वो भी बहुत बड़ा बलशाली था, परंतु एक अबला स्त्री को दिखाकर उसने अपनी छाती ठोकी, तो युद्ध भूमि में उसकी छाती फाड़ दी गई। दानवीर कर्ण, कितने ही बड़े दानवीर, कितने ही बड़े शूरवीर, परंतु स्त्री की असहाय स्थिति में उन्होंने भी अपमान किया, इसका दंड उन्हें भी मिला। तो दानवीर कर्ण की मृत्यु भी असहाय स्थिति में ही हुई। 100 हाथियों के बल के बराबर वाले धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, इसका दंड उन्होंने भी भोगा। अपने सामने 100 पुत्रों के शव को देखने और रोने के सिवाय धृतराष्ट्र कुछ ना कर सके। पितामह भीष्म, जिन्होंने एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, तो इसका दंड उन्हें भी मिला। असंख्य तीरों में बंधकर अपने सामने अपनी 4 पीढ़ियों का नाश होते देखना, क्या किसी के लिए इससे बड़ा दंड हो सकता है? कोई भी पूर्वज अपने सामने अपनी पीढ़ियों का नाश होते हुए नहीं देख सकता, ये पितामह भीष्म का दंड था। और दंड केवल कौरवों को ही नहीं, पांडवों को भी मिला। अर्जुन, द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में पहनाई थी, तो द्रौपदी की रक्षा का दायित्व सबसे ज्यादा अर्जुन का था, परंतु वो इसे पूरा ना निभा सके। तो यदि आप जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हो और उसी को ही आप निर्मम मृत्यु दे दें, तो इससे अधिक दंड आपके लिए क्या हो सकता है? तो अर्जुन पितामह भीष्म से सबसे अधिक प्रेम करते थे। अर्जुन रोते रहे, बिलखते रहे, परंतु पितामह पर एक एक कर तीर चलाते रहे। बाणों की शैया पर पितामह को लिटाना अर्जुन के लिए सबसे बड़ा कष्टदायक था। युधिष्ठिर, जिन्होंने एक स्त्री को दाव पर लगाने का घोर पाप किया, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत चुनौतियों में युधिष्ठिर ने कभी असत्य का साथ नहीं दिया, परंतु युद्ध भूमि में एक असत्य उन्होंने बोला, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। तो युधिष्ठिर का एक असत्य उनके सभी सत्य पर भारी रहा। धर्मराज के लिए आत्मग्लानी का भाव, इससे अधिक दंड उनके लिए और क्या हो सकता है? उस युग में 2 ऐसी स्त्रियां थीं जिन्हें बालों से पकड़कर घसीटा गया, देवकी को कंस ने और द्रौपदी को दुशासन ने, और दोनों ने ही इस पाप का फल अपने समूल नाश से भोगा।
उस युग में दो व्यक्ति ऐसे थे जो अकेले ही सबका दंड निर्धारित कर सकते थे, एक श्री कृष्ण, दूसरे बर्बरिक। बर्बरिक को बहुत कम लोग जानते हैं। बर्बरिक भीम का पौत्र था, उनके पास देवी के दिव्य अस्त्र थे जिनसे वो एक ही तीर में सारी सेना को भेद सकते थे, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं तो युद्ध में भाग ना लेने का निर्णय किया और साथ ही साथ बर्बरिक को भी युद्ध में भाग लेने से रोका, उनका वध किया। बर्बरिक यदि युद्ध में भाग लेते तो वो हारे का सहारा बनने के लिए चले थे माँ से प्रतिज्ञा करने के लिए, तो संभवतः वो कौरवों का साथ देते और युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता। इसलिए श्री कृष्ण ने उनका वध करके उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका। तो श्री कृष्ण युद्ध में जय और पराजय के लिए नहीं उतरे थे, वो उतरे थे कर्म के कर्ताओं को उनके कर्म का फल या दंड देने के लिए। तो जब ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आना है, तो क्यों ना वो दें जो हम अपने लिए चाहते हैं, वही बांटें जो हमारे लिए शुभ है। सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, सबको दिल से दुआएं दें। थैंक यू। ओम शांति।